हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो मैं हूँ सर्वभूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मान्या। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम प्लाटिहेलमिंथस और ये हमारा लेक्चर नंबर 10। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको प्लाटिहेलमिंथस का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लाटिहेलमिंथस है, ये फाइलम का इनका अदर नेम क्या है? इनका अदर नेम है फ्लैट वर्म्स। तो इनको फ्लैट वर्म्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका डोर्सो वेंट्राली फ्लैटेंड बॉडी इनका होता है। डोर्सो वेंट्राली फ्लैटेंड बॉडी। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? इनका थिन प्लेट लाइक सीट रहता है, ऐसे फ्लैट होके ये रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ऐसे अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कैसा हुआ? फ्लैट हुआ ना। तो वैसे ये फ्लैट होते हैं, इनका फ्लैटेंड बॉडी होता है बोल के, इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। तो एंडो पैरासाइट मतलब क्या है? पैरासाइट का मतलब तो आपको पता है, पैरासाइट का मतलब क्या है? जो अपने फूड के लिए अलग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एंडो मतलब क्या है? एंडो मतलब है इनर। तो यहाँ पे प्लाटिहेलमिंथस फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अलग के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं और वो होस्ट सेल के अंदर ही रहते हैं, इनर बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल क्या होगा? होस्ट का एक एग्जांपल होगा हम ह्यूमन बींग्स होगा इसका एक एग्जाम्पल। समझ में आ गया। और ये क्या होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है इनका। और ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म इनका प्रेजेंट होता है। हमें तो पता है ना, मेसोडर्म मिडिल में रहता है ना। और यहाँ पे ये क्या होते हैं? इनका सिलोम या फिर कैविटी जो होता है, बॉडी कैविटी, ये प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है इस केस में। और इनका क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो प्लाटिहेलमिंथस आपका फाइलम हुआ, यहाँ से आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है। और यहाँ पे क्या है? इनका हुक्स और सुकर्स प्रेजेंट होता है। तो ये किसमें मदद करता है आपको? हुक्स जो होता है ये एंकोरेज के लिए मदद करता है, एंकोरेज। अगर उसको यहाँ पे जाना है और उसका ये अगर हुक है तो ऐसे हुक बढ़ाएगा और यहाँ पे सीधा चला जाएगा, वैसे इसका हुक प्रेजेंट होता है उसके लिए। और सुकर्स किसके लिए प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सुकर्स प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमारा एंडो पैरासाइट हो गया तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके पास कुछ तो वेपन होना चाहिए जिसके वजह से कि वो उसका न्यूट्रिएंट्स सोक कर सके। तो ये आपका इस पॉइंट के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा, ये सुकर्स इनका प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। तो इनका जो बॉडी सरफेस होता है, ये बॉडी सरफेस से ही अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर देते हैं। और इनका क्या होता है? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल इनका एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स बोलते हैं। तो ये किसमें मदद करता है? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में मदद करता है। तो ये जो आपका फ्लेम सेल्स होता है, ये एक्सक्रिएशन प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है। तो ये आपका ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। और किसमें ये हेल्प करता है? एक्सक्रिएशन। ये दो ठो काम ये करता है। तो आई होप आपको इसको समझ में आ गया। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। जो इनका सेक्स रहता है ये सेपरेट नहीं होते। तो ये क्या होता है? आपका हर्मेफ्रोडाइट होता है। बोलने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ये पॉइंट के अलावा। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से है हर्मेफ्रोडाइट। तो इनका क्या होता है? इनका जो एक्स सेल होता है, और जो आपका स्पर्म होता है, ये एक ही इंडिविजुअल में रहता है, इन वन इंडिविजुअल एक ही इंडिविजुअल में पाया जाता है। और इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कैसे होता है? ये जो आपका जाइगोट होता है, जाइगोट सीधा एडल्ट में नहीं होता है,
एडल्ट नहीं बनता है यहाँ पे क्या होता है, मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू, लार्वल स्टेज के थ्रू ये ऐसे बनता है बॉडी। तो यहाँ से जाइगोट से ये पहले लार्वल स्टेज होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद ये एडल्ट बनेगा। तो कुछ लार्वल स्टेज के दौरान ये जाइगोट क्या बनता है आपका, एडल्ट बनता है, समझ में आ गया। और ये प्लानेरिया जो है ये आपका रीजेनरेशन करता है, रीजेनरेशन का इसका हाईएस्ट कैपेसिटी रहता है। तो ये जो कैसा होता है, ये आपका प्लानेरिया जो होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, ये आपका प्लानेरिया हो गया। तो प्लानेरिया का अगर यहाँ से थ्री पार्ट हो गया, ये वन पार्ट और ये वन पार्ट, तो ये फिर एक एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स को मैं एनओ लिख दे रहा हूँ, न्यू ऑर्गेनिजम्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जितना पार्ट होगा उतना न्यू ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा, उसका रीजेनरेशन कैपेसिटी रहता है। और हम अभी एग्जांपल को देखेंगे, फकीर ने यहाँ पे अभी हम एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फकीर ने, ने। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, फकीर ने तबला बजा रहा है, फकीर ने तबला बजाया लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बजाया। तो यहाँ पे फकीर से हम एफ को कंसीडर करेंगे और ये तबला से टी को कंसीडर करेंगे। तो एफ से आपका क्या होगा, एफ से आपका होगा लिवर फ्लूक और टी से आपका होगा टैप वर्म। तो ये दोनों आपका एग्जांपल होता है। तो आई होप आपको फाइलम प्लाटी हेलमिंथस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियोज को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।